फ्रेंड्स, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स इन हिंदी। मैं हूं आपकी दोस्त अक्षरा वर्मा। आज मैं आपके लिए एक नई ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूं। स्ट्रेट बाल आजकल खासे चलन में है। लड़के हो या लड़की हो, फ्रीजी, बेजान, रूखे और उलझे बाल किसी को पसंद नहीं आते हैं। बालों को पार्लर में स्ट्रेट करवाने में खर्च तो आता ही है, हीट से बालों को नुकसान भी बहुत पहुँचता है, जिससे बाल बेजान होकर टूटने लगते हैं और उनकी प्राकृतिक चमक भी खो जाती है। लेकिन आज हम आपको जो तरीका बताने जा रहे हैं, उससे आप घर पर ही अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी हीट के, और इससे आपके बालों को कुछ नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन उन्हें जानने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए आपको जिन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है, वह इस प्रकार है: नारियल यानी कोकोनट, नींबू मींस लेमन, बादाम का तेल मींस ऑलमंड ऑयल, मकई का आटा मींस कॉर्न फ्लावर। अब सबसे पहले आप नारियल के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप 1/4 नारियल लीजिए, और अगर आपके बाल मध्यम साइज के हैं तो आप आधा नारियल लीजिए, और अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो आप एक पूरा नारियल इस्तेमाल कीजिए। आप नारियल के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्सर में पीस लीजिए। जब ये अच्छी तरह से पीस जाए तो आप इसको छान लीजिए। अब आपको इस पानी में मकई का आटा मिलाना है। अगर आप 1/4 यानी आधे से आधा नारियल मिलाते हैं तो आपको इसमें 4 छोटी चम्मच मकई का आटा मिलाना है। अगर आप ज़्यादा नारियल ले रहे हैं तो आपको इसी हिसाब से इसमें मकई का आटा मिलाना है। फिर आप इसमें 1 नींबू निचोड़ दीजिए और अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसमें गाँठी नहीं पड़नी चाहिए। आपको इसमें 5 चम्मच बादाम का तेल मिलाना है। फिर आप इसको गर्म कर लीजिए। इसको गर्म करते वक्त आपको इसको लगातार चलाते जाना है। लगभग 5 से 7 मिनट बाद ये पक जाएगा, तो इसको आँच से उतार लीजिए। फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। इतने आप अपने बालों को अच्छी तरह से सुलझा लीजिए। फिर इस पेस्ट को अपने बालों की जड़ों से बालों के सिरे तक लगाइए। ऐसा करते हुए आपको अपने बालों को सीधा करते जाना है। इसको लगाने के बाद आप अपने बालों को एक मोटे दांतों वाले कंघे से सुलझाकर सीधा कर लीजिए, और एक बार फिर इस पेस्ट को अपने बालों पर लगाइए। ऐसा आपको 2-3 बार करना है। फिर इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो आप इसको धो लीजिए। इससे आपके बाल नेचुरल तरीके से सीधे हो जाएंगे और उनमें कुदरती चमक भी आएगी। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपने बालों को स्ट्रेट और सुंदर चमकदार बना सकते हैं, वो भी बिना किसी नुकसान के। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और जानकारियाँ पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।